मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। भले ही तुमने मेरे साथ लाख बुरी चीजें की हों, पर फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हर हालत में। अगर मैं तुमसे प्यार करूंगा तो तुम्हें मेरे प्यार को अपनाना होगा। अगर मैं तुमसे नफरत करूंगा तो तुम्हें उसे सहना होगा। अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूं तो तुम्हें उस चीज के साथ भी रहना होगा। प्रतिज्ञा ने हंसते हुए कहा, तो आप मुझे एक कठपुतली बनाना चाहते हैं जो आपके इशारों पर नाचे, जो आपकी हर बात को सुने, जो आपके दिए हुए जख्मों को सहे और जो आपकी खुशियों में खुश हो। हर्ष, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप एक ऐसे इंसान हैं। हर्ष ने प्रतिज्ञा को गले लगाया और उसके शरीर से आने वाली भीनी खुशबू को महसूस करते हुए कहा, प्लीज मुझे उन शब्दों को बोलने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं कहना चाहता। प्रतिज्ञा ने हर्ष से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, और मुझे जानना भी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर्ष ने गुस्से में प्रतिज्ञा को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। प्रतिज्ञा ने अपनी आंसू भरी आंखों से हर्ष को देखा और कहा, हर्ष प्लीज मेरे साथ इस तरह का बिहेव मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में जो आपकी छवि है वो बर्बाद हो जाए। हर्ष ने प्रतिज्ञा के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी छवि तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी है और अब शायद हमारा ये रिश्ता भी बर्बाद हो जाएगा। प्रतिज्ञा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बनो। मुझे माफ करो क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम सिर्फ मुझसे नफरत करने वाली हो। प्रतिज्ञा ने हकलाते हुए कहा, हर्ष आप क्या करने वाले हैं? हर्ष ने धीरे से अपना सिर झुकाया और प्रतिज्ञा के कान में कहा, सॉरी प्रतिज्ञा, पर अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हें पूरी तरह मेरा बनना होगा। तुम्हारे दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरी छाप होगी और ये चीज़ तुम्हें एहसास दिलाएगी कि तुम कभी किसी और के करीब नहीं जा सकती। ये कहकर हर्ष ने प्रतिज्ञा के होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह गई। उसने भी हर्ष से बहुत ज़्यादा प्यार किया था और वही प्यार उसे हर्ष से दूर नहीं होने दे रहा था। प्रतिज्ञा ने भी हर्ष को गले लगाया और उस किस में हर्ष का साथ देने लगी। प्रतिज्ञा जानती थी जो वो कर रही है वो गलत है, पर दिल कब किसी की सुनता है, वो तो वही करता है जो वो करना चाहता है। अगली सुबह हर्ष की जब आंखें खुली तो उसे अपने सिर में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। हर्ष ने अपने सिर पर हाथ रखा और खुद से कहा, इतना सिर दर्द क्यों हो रहा है? ये कहते हुए हर्ष ने साइड में देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। हर्ष ने खुद से कहा, क्या वो लौट कर नहीं आई? वैसे अच्छा ही हुआ वो यहाँ नहीं आई, क्योंकि मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। ये कहते हुए हर्ष बाथरूम में चला गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल उसने क्या किया। वहीं प्रतिज्ञा अपने हॉस्पिटल जा चुकी थी। प्रतिज्ञा के चेहरे पर ज़्यादा अलग भाव नहीं थे और वो खुश होकर अपने काम कर रही थी। हालांकि उसकी आंखों के नीचे बने काले खड्डे और उसके शरीर पर बने निशान जो थोड़े बहुत दिख रहे थे, कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे। काम करते हुए उनके दिमाग में रात के नज़ारे घूम रहे थे और उसका दिल बार बार तेज़ी से धड़क रहा था। प्रतिज्ञा ने अपना सिर झटकते हुए कहा, इतना मत सोचो क्योंकि बाद में तुझे उनसे दूर होना होगा, या फिर वो तुझे छोड़ देंगे। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है शायद अब वो मुझे माफ़ कर दे या फिर हमारे रिश्ते को एक और मौका दे। ये सोचते हुए प्रतिज्ञा के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। प्रतिज्ञा को याद आया कि रात को हर्ष ने उससे अपने प्यार का इजहार भी किया था और ये भी एक कारण था कि प्रतिज्ञा अपने कदमों को इतना आगे बढ़ा पाई थी। काम खत्म कर लेने के बाद प्रतिज्ञा घर के लिए निकल गई। शाम को जब प्रतिज्ञा घर पहुंची तो हमेशा की तरह हर्ष बार काउंटर के पास बैठा था, लेकिन इस समय उसने शराब नहीं पी थी बल्कि वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। प्रतिज्ञा हर्ष के पास गई और उसने कहा, आप कैसे हैं? हर्ष ने अपना सिर उठाकर प्रतिज्ञा को देखा और उसकी आंखें गुस्से से भर गई। हर्ष ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर हो जाओ, तो फिर क्यों तुम बार बार मेरे सामने आती हो? क्या मेरे साथ इतना बुरा करके तुम्हारा मन नहीं भरा है जो तुम दोबारा यहाँ आ गई हो? प्रतिज्ञा ने हैरान होकर हर्ष की तरफ देखा और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हर्ष आप ये क्या कह रहे हैं? कल तो आपने... हर्ष ने प्रतिज्ञा की बात बीच में काटते हुए कहा, बेहतर होगा तुम बार बार मेरा नाम पुकारना बंद कर दो और अपने पिता के घर लौट जाओ। वो सही कहते थे कि हमारा रिश्ता किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता। तुम एक झूठी लड़की हो और मैं तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये कहते हुए हर्ष की नज़र प्रतिज्ञा के गले की तरफ गई। प्रतिज्ञा ने अभी भी मंगलसूत्र पहना हुआ था। हर्ष ने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंगलसूत्र को खींच लिया, जिससे प्रतिज्ञा को चोट लग गई और उसकी एक चीख निकल गई। हर्ष ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी। प्रतिज्ञा की चीख सुनकर उसे अपने दिल में काफ़ी दर्द हो रहा था और हर्ष अब एक और दुख सहन नहीं कर सकता था। हर्ष ने अपनी ज़िंदगी में कई धोखे खाए थे और अब हर्ष नहीं चाहता था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो भी इस तरह बार बार उसे धोखा दे। क्योंकि जब भी हर्ष प्रतिज्ञा को देखता था उसे याद आता था कि किस तरह प्रतिज्ञा ने उस रात को उन पेपर्स को चोरी करके रावी और वीरा को दे दिया था। हालांकि हर्ष ये खुद करना चाहता था, पर जब प्रतिज्ञा ने हर्ष को धोखे में रखकर ये सब किया तो हर्ष का विश्वास टूट गया। प्रतिज्ञा ने हर्ष की तरफ देखकर कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर्ष ने कुछ पेपर्स प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन पर साइन करो और यहाँ से चली जाओ। प्रतिज्ञा ने हैरान होकर उन कागज़ों की तरफ देखा। उन पर साफ साफ अक्षरों में डिवोर्स पेपर लिखा था। प्रतिज्ञा ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। हर्ष ने कहा, तुम्हें ये करना ही होगा।
ये कहकर हर्ष ने जबरदस्ती प्रतिज्ञा के हाथ में पेन पकड़ा दिया और कहा, वैसे भी हमारा रिश्ता सिर्फ कुछ दिनों का था, हमारा प्यार शायद इतना मजबूत नहीं था क्योंकि तुमने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया। जब हमारे बीच कोई करीबी थी ही नहीं तो इस रिश्ते का क्या फायदा। प्रतिज्ञा ने अपने सफेद चेहरे के साथ हर्ष की तरफ देखा और कहा, क्या आपको बिल्कुल याद नहीं है कल क्या हुआ था। हर्ष ने कहा, मुझे अच्छे से याद है, तुम कल घर लौटकर नहीं आई थी, तुम उन गद्दारों के घर गई थी उनकी खुशियों में शामिल होने, और जब तुम यहाँ वापस आना ही नहीं चाहती हो तो बेहतर होगा तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। प्रतिज्ञा ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से हर्ष की तरफ देखा, जिसे कुछ भी याद नहीं था, और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उस पेपर पर साइन करके वहां से चली गई। प्रतिज्ञा ने एक बार भी मुड़कर हर्ष की तरफ नहीं देखा। अगर उसने ऐसा किया होता तो प्रतिज्ञा देख पाती कि उन पेपर्स को अपने हाथ में पकड़ते हुए हर्ष के हाथ कांप रहे थे और वो अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। प्रतिज्ञा के वहां से जाने के बाद हर्ष ने जोर से उसका नाम पुकारा और खुद से कहा, प्रतिज्ञा, मैं अपनी बुरी किस्मत के साथ तुम्हें नहीं जोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन परेशानियों से गुजरो जिनसे मैं गुजरा हूँ। शायद इन सब में तुम भी बर्बाद हो जाओगी और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए हर्ष ने पेपर पर साइन कर दिया और वहीं जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह गई और वो प्रतिज्ञा के साथ बिताए हुए अपने खूबसूरत पलों को याद करने लगा कि किस तरह वो उससे मिला था, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे उन्होंने अपने प्यार को मजबूत किया। क्या इन दोनों की कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी या आने वाला है इस कहानी में एक नया मोड़। 9 साल बाद, राजवंश हवेली। इस समय वहां काफी चहल पहल का माहौल था और काफी सारे लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। हवेली को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया था और सभी लोग काफी अच्छे से तैयार हुए थे। धैर्या ने आसपास से देखते हुए कहा, तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आज बहुत खास दिन है। वायु ने धैर्या के पास आते हुए कहा, तुम इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग काम देख लेंगे, तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हुई हो। धैर्या ने कहा, हम कैसे काम ना करें, आप देख नहीं रहे आज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, आप तो अभी भी आराम से खड़े हैं, जाइए जाकर कपड़े बदल कर आइए, आपको देख नहीं रहा समय हो गया है। वायु ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे तुम्हारी दोनों बेटियां कहाँ हैं। धैर्या ने परेशान होकर कहा, वो अभी तक ऑफिस से नहीं आई हैं। वायु ने आसपास से देखते हुए कहा, और वो दोनों शैतान कहाँ हैं। धैर्या ने कहा, वो दोनों जरूर कहीं शैतानी कर रहे होंगे, आप तो जानते ही हैं ना उन दोनों को रोकना कितना ज्यादा मुश्किल है, हमें तो समझ नहीं आता है ये दोनों इतने ज्यादा शैतान क्यों हैं, इतने शैतान तो हमारे बच्चे नहीं थे। वायु ने कहा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलो चलकर उनको देखते हैं। धैर्या ने कहा, हाँ चलिए देखते हैं, इन दोनों लड़कियों को तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, हमें ही उन्हें संभालना पड़ता है, एक दिन भी अपने बच्चों को संभाले तो इन्हें पता चले कि इनकी शैतानी कितनी बढ़ गई है। वायु ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा मासूम बनते हैं, जैसे वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। धैर्या ने कहा, आप सही कह रहे हैं। बातें करते हुए वो दोनों गार्डन में पहुंच गए। गार्डन में पहुंचते ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वायु और धैर्या ने सामने देखा, दो आदमियों के चेहरे पर काला कलर लगा था और वो अपने चेहरे को पहुंचते हुए चिल्ला रहे थे। पहले आदमी ने कहा, बहुत जलन हो रही है। दूसरे आदमी ने कहा, तू पानी तो ढूंढ। पहले आदमी ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये कहते हुए वो दोनों जमीन पर बैठ गए। धैर्या ने आंखें छोटी करके उन दोनों आदमियों को देखा और कहा, ये क्या है। वायु ने कहा, इनकी हालत देखकर लगता है वो दोनों यहीं आसपास हैं। धैर्या ने कहा, हमें भी यही लगता है। ये कहकर धैर्या ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुक्ति अरने बाहर आइए, अगर आप दोनों अभी के अभी बाहर नहीं आए तो हम आप दोनों की मामा को कॉल लगाकर कह देंगे कि आप यहाँ किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जैसे ही धैर्या ने ये कहा, दो बच्चे जल्दी से आगे आ गए। एक लड़का जिसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी, वो व्हील चेयर पर एक लड़की को लेकर सामने खड़ा था। व्हील चेयर पर बैठी लड़की ने नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। धैर्या ने कहा, हाँ तो आप दोनों हमें बता सकते हैं कि इन लोगों की हालत ऐसी ही कैसे हुई है, आप बताइए अरने। ये कहते हुए धैर्या उस लड़के को देखने लगी। अरने ने अपने माथे को दो उंगलियों से सहलाते हुए कहा, नानी ये मेरी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है, इन लोगों ने मुक्ति को निशाना बनाया था और ये उन पर शूट करने वाले थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जैसे ही वायु और धैर्या ने यह सुना, उन दोनों की आंखें खतरनाक हो गई और वो घूर कर जमीन पर बैठे लोगों को देखने लगे। जमीन पर बैठे दोनों आदमियों ने अपना चेहरा साफ कर लिया था और इस समय वो खड़े थे। अपने सामने धैर्या और वायु को देखकर वो दोनों थोड़ा डर गए, पर अब जब वो सामने आ ही चुके थे तो वो हमला करने से पीछे नहीं हटे। पहले इंसान ने दोबारा गन निकाली और उसे व्हील चेयर पर बैठी मुक्ति की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अब जब हमारा भेद खुल ही चुका है तो हम अपने काम को अंजाम देकर ही यहाँ से जाएंगे, इस लड़की को मारना हमारा मिशन है और इसे मारे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कहते हुए उस आदमी ने गन से फायर कर दिया। सभी लोग अभी भी हैरान थे और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, गोली मुक्ति तक पहुंच चुकी थी। धैर्या ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मुक्ति। पर जब धैर्या ने अपनी आंखें खोली तो मुक्ति सही सलामत अभी भी व्हील चेयर पर बैठी थी। मुक्ति ने अपनी व्हील चेयर के एक बटन को दोबारा प्रेस किया, जिससे उसके सामने आए बुलेट प्रूफ शील्ड हट गई और वो व्हील चेयर के साइड में लग गई। फिर मुक्ति ने व्हील चेयर के साइड से एक गन निकाली और बिना सोचे समझे उन दोनों आदमियों के सिर के बीचों बीच गोली मार दी। मुक्ति के इस एक्शन से सभी लोग हैरान हो गए और उसे देखने लगे।
मुक्ति के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। मुक्ति ने वापस उस गन को व्हील चेयर में रखा और अरण्य से कहा, भाई चले। अरण्य ने धैर्य और वायु को देखकर अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, नानू नानी आप तो जानते ही हैं मुक्ति को ज्यादा शोर पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को चुप करा दिया। आप इस बात को दिल पर मत लीजिएगा। ये कहकर अरण्य मुक्ति को लेकर वहां से चला गया। अरण्य और मुक्ति के वहां से जाने के बाद ही धैर्य होश में आई। धैर्य ने वायु की शर्ट की आस्तन खींचते हुए कहा, वायु आपको नहीं लगता हमें मुक्ति को थोड़ा समझाना चाहिए कि उसे इस तरह की चीजें बंद कर देनी चाहिए? माना कि अब वो 9 साल की हो चुकी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 19 साल की लड़की की तरह हरकतें करे और किसी को भी जान से मार सकती है। हमने कभी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, उनके चेहरे पर हमेशा सख्त भाव रहते हैं और वो तो वीरा से भी ज्यादा खतरनाक है, आखिर वो ऐसी क्यों है? वायु ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो अपनी माँ की कार्बन कॉपी है। ये सुनकर धैर्या ने घूर कर वायु को देखा और कहा, आपसे तो बात ही करना बेकार है, आप कभी सही जवाब देते ही नहीं हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ये कहकर धैर्या पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वायु ने गहरी सांस लेकर कहा, काश मैं तुम्हें समझा पाता धैर्या कि मुक्ति की जिंदगी आसान नहीं है। अगर वो एक मासूम लड़की बनकर रहेगी तो उसकी आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो ज्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएगी। ये कहते हुए वायु ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और अपने आदमियों को उस जगह को साफ करने को कह दिया। साथ ही वायु ने हवेली की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। शाम हो चुकी थी और कई सारे मेहमान हवेली में दाखिल हो गए थे। वहां आया हर एक इंसान अमीर और क्लासी था और वो सभी वहां पर राजवंश परिवार से अपने कनेक्शन बनाने आए हुए थे। कुछ लेडीज आपस में बात कर रही थी कि आज की पार्टी बहुत खास होने वाली है। वहीं कुछ आदमी आपस में ये बात कर रहे थे कि आज उन्हें कंपनी के नए मालिक से मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब बातों के बीच तेजस स्टेज के बीच में आया और उसने माइक अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आ चुकी है। हमने हमारे घर में आई खुशी को मनाने के लिए इस पार्टी को रखा है और अब उसका समय हो चुका है। प्लीज हमारे इस नए जोड़े का स्वागत कीजिए। ये कहकर तेजस साइड हट गया, जिसके बाद उस बड़े से गेट से दो इंसान अंदर दाखिल हुए। एक लड़का जिसने व्हाइट कलर का 3-पीस सूट पहना था और उसी के साथ एक लड़की थी जिसने लॉन्ग पर्पल गाउन पहना था अंदर दाखिल हुए। उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वहीं उस लड़की ने भी एक नकली मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाई हुई थी और उस लड़के के हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। उन्हीं के पीछे कुछ और लोग भी चल रहे थे जो कि उन्हीं की उम्र के थे। उनमें से एक लड़की घूर कर उन दोनों को देख रही थी, वहीं एक लड़का मुस्कुराते हुए उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। जब वो दोनों स्टेज पर पहुंचे तो तेजस ने कहा, आप इस इंसान को तो अच्छे से जानते ही होंगे, ये है धैर्य राजवंश और ये है हमारे घर की होने वाली बहू आध्या कश्यप, आज इन दोनों की सगाई है। जैसे ही तेजस ने ये कहा सभी लोग तालियां बजाने लगे। वहीं आध्या के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और धैर्य ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, लेकिन उन दोनों ने ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन जल्दी ठीक कर लिए क्योंकि सब उनकी तरफ देख रहे थे। आखिर क्यों खुश नहीं है धैर्य इस सगाई से और अब क्या होगा आगे? वहीं साइड में खड़ी लड़की अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रही थी क्योंकि उसने उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए थे। लड़की के साइड में खड़े लड़के ने कहा, प्रिशा तुम उन दोनों को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या तुमने कुछ किया है? प्रिशा ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव ठीक किए और मासूम सी शक्ल बनाकर उस लड़के को देखते हुए कहा, कृष ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला उन दोनों के साथ बुरा क्यों करूंगी, वो तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कृष ने घूर कर प्रिशा को देखा और कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? प्रिशा ने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम गलत भी नहीं कह रहे हो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, पर मैं इस समय कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि मैंने किस्मत को अपना लिया है। ये कहते हुए प्रिशा वापस सामने देखने लगी जहां धैर्य और आध्या ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी और सब उनके लिए तालियां बजा रहे थे। धैर्या ने आगे बढ़कर धैर्य और आध्या के माथे को चूमते हुए कहा, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हमें हमेशा से पता था आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये कहकर धैर्या ने अहाना की तरफ देखा जो कि साइड में खड़ी थी और कहा, अहाना दीदी हम सही कह रहे हैं ना? अहाना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब क्या करूं, मेरी बेटी को तुम्हारा नालायक बेटा इतना पसंद आ गया कि मुझे हाँ करनी ही पड़ी, वरना मैं अपनी प्यारी सी बेटी की शादी कभी तुम्हारे बेटे से नहीं करवाती। ये सुनकर धैर्या का मुंह बन गया। वहीं वायु घूर कर सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, भाई तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, ये फाइट उन दोनों के बीच की है, तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने आहना को ये सब कहने के लिए कहा होगा। वायु ने कहा, वो तेरे साथ रहकर ही ऐसी बन गई है। ये सुनकर आहना ने कहा, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, यही सारा वक्त मुझसे ऐसी बातें करता है जिस कारण मेरे मुंह से भी यही सब निकल जाता है। सिद्धार्थ ने मुंह खोलकर आहना की तरफ देखा जिसने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया था और कहा, तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। आहना ने कहा, तो तुम क्या कर लोगे, क्या तुम अपनी बेटी की एंगेजमेंट में मुझसे डिवोर्स मांगोगे क्योंकि मैं बुरी हूं? ये सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। धैर्या ने कहा, अहाना दीदी आप सिद्धार्थ को कितना परेशान करती हैं। अहाना ने धीरे से कहा, ये करना जरूरी है वरना तुम्हें पता तो है वो कितना ज्यादा हैंडसम है, अगर वो दूसरी औरतों के पीछे जाने लगा तो? धैर्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है अहाना दीदी, सिद्धार्थ आपसे बहुत प्यार करते हैं। अहाना ने कहा, जानती हूँ पर इस प्यार को बरकरार रखने के लिए थोड़ी नोकझोंक तो जरूरी है ना, अब सब तुम्हारी तरह बोरिंग थोड़ी होते हैं।
धैर्या कुछ कहती इससे पहले ही वायु ने धैर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या पता तुम्हारी प्यारी सी फ्रेंड कमरे में कितनी ज्यादा रोमांटिक होती है। भले ही अब ये नानी बन चुकी है और अब सास बनने वाली है, पर फिर भी इसके अंदर का रोमांस खत्म नहीं हो रहा है। तुम इसे थोड़ा समझाया करो, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं और थक जाता हूं। धैर्या का चेहरा लाल हो चुका था और वो घूर कर वायु को देखने लगी। धैर्या ने वायु के पेट में कोहनी मारते हुए कहा, हमें समझ नहीं आता आप इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कह सकते हैं, वो भी अपने ही बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में। वायु ने कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है। उन सब की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी दरवाजे से दो लोग अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड थे और सबकी नज़र उन लोगों पर जाकर रुक गई थी। वायु ने धैर्या से कहा, देखो तुम्हारी बेटियां अब आ रही हैं अपने भाई की सगाई खत्म होने के बाद, तुम्हें क्या लगता है धैर्या इन्हें माफ़ कर देगा। धैर्या ने कहा, हमें नहीं पता, पर हमें ज़रूर जानना है कि आखिर ये दोनों इतने समय से कहाँ थी, क्या इनके लिए ऑफिस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। रावी और वीरा अंदर दाखिल हो चुकी हैं। वीरा की आंखों पर चश्मा लगा था और उसने एक लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहनी थी, वहीं रावी ने एक पर्पल कलर की स्कर्ट और वाइट टॉप पहना था। रावी के होठों पर आज भी एक मुस्कुराहट थी, वहीं वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन दोनों के साथ उनके बच्चे चल रहे थे। अर्णय ने रावी का हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं वीरा मुक्ति की व्हीलचेयर को आगे धकेल रही थी। मुक्ति ने भी वीरा की तरह ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। उन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो दोनों माँ बेटी थी। वहीं रावी और अर्णय दोनों ने सेम पर्पल कलर के कपड़े पहने थे और उन दोनों के ही होठों पर ब्राइट मुस्कुराहट थी। रावी ने जल्दी से आगे आकर धैर्या से कहा, सॉरी मम्मा, मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी चली थी, वरना हम लोग जल्दी आ जाते। आप विश्वास नहीं करेंगी, मुझे तो अपने कपड़े चुनने का भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यही पहनकर आ गई। धैर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें आप दोनों से कोई बात नहीं करनी है, जाकर अपने भाई और भाभी से मिल लीजिए अगर आपके पास इस चीज़ के लिए समय हो तो, वरना आप अभी भी ऑफिस जा सकती हैं क्योंकि यहां तो सब खत्म हो गया है। वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं चलती हूं क्योंकि मुझे और भी बहुत काम करने हैं। रावी ने वीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, दी ऐसे बिहेव मत कीजिए। वीरा ने कहा, रावी तुम जानती हो मुझे वैसे भी यहाँ नहीं आना था, मैं सिर्फ यहाँ धैर्य के लिए आई हूँ और अब जब उसकी सगाई हो चुकी है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मन नहीं है। धैर्या ने कहा, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आप चली जाइएगा। वीरा ने गहरी सांस ली और पार्टी में शामिल हो गई। कई सारे लोग रावी और वीरा से बात करने आ रहे थे, लेकिन उन दोनों के पास से आ रहा खतरनाक औरा लोगों को उनसे दूर रहने की सलाह दे रहा था। वहीं विहान भी साइड में बैठा ड्रिंक कर रहा था और रावी को देखे जा रहा था। रावी की नज़र विहान पर गई और उसने विहान के पास जाते हुए कहा, तुम कब आए। विहान ने कहा, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। रावी ने कहा, और तुम ड्रिंक कर रहे हो। विहान ने कहा, क्या करूँ, तुम्हारी खूबसूरती का नशा उतर ही नहीं रहा है, इसीलिए उसे कम करने के लिए मुझे ड्रिंक करनी पड़ रही है। रावी ने कहा, विहान तुम्हें नहीं लगता तुम पर इस तरह की बातें सूट नहीं करती। विहान ने कहा, और तुम्हें नहीं लगता तुम पर इस तरह के कपड़े सूट नहीं करते, जबकि तुम जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। रावी ने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं और मेरा पेट भी इतना नहीं दिख रहा, मैं अभी भी ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ। विहान ने कहा, पर अगर इससे मेरी गुड़िया को कोई परेशानी हुई तो। रावी ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें तो सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है, मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं। विहान ने रावी को अपनी तरफ खींचा, जिससे रावी विहान की गोद में गिर गई। रावी ने आसपास देखा, उस बार काउंटर पर इस समय कोई नहीं था। रावी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो। विहान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है मिसेज अग्रवाल, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी चिंता है। ये कहते हुए विहान की आंखें प्यार से चमक रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी किसी ने खांसते हुए कहा, अगर तुम दोनों का ये रोमांटिक मूवमेंट खत्म हो गया हो तो हॉल में चलो, क्योंकि वहाँ केक कटिंग होने वाली है। रावी और विहान ने हैरान होकर सामने देखा, जहाँ तपस्या और सूरज खड़े थे। तपस्या ने डार्क ऑरेंज कलर का गाउन पहना था, वहीं सूरज ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। उन्हीं के पीछे हेक्टर और स्वरा भी थे। हेक्टर को इंडिया में बहुत कम लोग जानते थे और उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था। इसी वजह से हेक्टर का इंडिया में खुलकर रहना बहुत आसान हो गया था, और ये भी एक कारण था कि हेक्टर ने यहाँ अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपना घर यहीं बसा लिया था। रावी ने अपनी बाहें विहान के गले में डालते हुए कहा, वैसे मेरा वहाँ जाने का कोई मन नहीं है। तपस्या ने मुँह बनाते हुए कहा, रावी तुम्हें मेरे सामने इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। रावी ने अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों ना करूं, क्योंकि तुम अभी अपने पति की गोद में नहीं बैठ सकती। तपस्या तुम अभी बहुत भारी हो गई हो, इसीलिए तुम मुझे देखकर जल रही हो। तपस्या ने सिर झुकाकर अपने पेट की तरफ देखा। तपस्या 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी मोटी हो गई थी और उसके गाल बहुत गुलाबी दिखाई दे रहे थे। तपस्या ने कहा, कुछ महीनों बाद तुम भी ऐसी हो जाओगी। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, विहान तब भी मुझे गोद में उठाएगा, तुम देख लेना। विहान ने कहा, हाँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ये कहते हुए विहान मुस्कुराने लगा। सूरज ने तपस्या को वहाँ से खींचते हुए कहा, चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते हैं, वरना ये लोग तुम्हें इसी तरह चिढ़ाते रहेंगे। तपस्या ने गुस्से से कहा, वो सच ही तो कह रहे हैं, तुम मुझे कभी गोद में नहीं उठाते, क्या मैं सच में इतनी भारी हो गई हूँ। सूरज ये सारी गलती तुम्हारी है। सूरज ने कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है। तपस्या ने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर सूरज के कान थोड़े लाल हो गए और वो बिना कुछ कहे तपस्या को आगे ले जाने लगा।
रावी और विहान भी जल्दी से केक कटिंग के लिए पहुंच गए। रावी ने देखा कि वहां पर ऋषि सत्यराज, शोभित और मिष्टी भी खड़े थे। मिष्टी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मिष्टी ने खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया था और इस समय वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। उसने अपने घटिया परिवार वालों और मयंक को एक अच्छा सबक सिखाया था और उन्हें शहर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। रावी ने ऋषि सत्यराज को देखकर कहा, आपको मैं काफ़ी समय बाद देख रही हूँ, आप सच में अब बूढ़े होने लगे हैं। ऋषि सत्यराज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, तुम किसे बूढ़ा कह रही हो? मैं कई घंटों तक तपस्या करता हूँ और योगा करता हूँ, तुम्हें मैं कहाँ से बूढ़ा लग रहा हूँ? मेरे चेहरे पर उन बूढ़े लोगों जैसी झुरियाँ नहीं है। रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपनी ही तारीफ अपने मुंह से कैसे कर सकते हैं? ऋषि सत्यराज ने कहा, अब जो सच है वो सच है। रावी ने घूर कर उन्हें देखा और वापस केक कटिंग सेरेमनी की तरफ देखने लगी, जहां धैर्य और आध्या केक कट कर रहे थे और उनके साइड में मुक्ति और अर्ण्य भी मौजूद थे। केक कटिंग हो जाने के बाद सब पार्टी इंजॉय करने लगे। ऋषा धैर्य के पास आई और उसने धैर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धैर्य तुम ठीक तो हो ना? धैर्य ने बिना किसी भाव के ऋषा को देखा और कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषा ने हिचकिचाते हुए कहा, मतलब ये सारी बातें जानने के बाद? सॉरी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, पर तुम आध्या को गलत मत समझना, वो ऐसी नहीं है। धैर्य ने कठोरता से ऋषा को घूरते हुए कहा, तुम्हें इन सारी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और आध्या के बीच का मैटर है, हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। और खबरदार, जो तुमने ये बात किसी और को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए धैर्य की आवाज़ में कठोरता साफ सुनी जा सकती थी। ऋषा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और मुड़कर वहां से चली गई। ऋषा ने खुद से कहा, ये अभी भी इस लड़की के प्यार में पागल है, पर मैं ज्यादा समय तक ये सब जारी नहीं रहने दूंगी, मैं जल्दी ही सब खत्म कर दूंगी, उसके बाद धैर्य सिर्फ मेरा होगा। रावी और वीरा भी वहां लोगों से बात कर रही थी। वीरा बार काउंटर के पास बैठी शराब पी रही थी। वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो हमेशा की तरह कूल दिखाई दे रही थी, पर घर के सभी लोग जानते थे कि वीरा के अंदर कितना दर्द भरा है और वो कितनी ज्यादा दुखी रहती है। मुक्ति थोड़ी दूर बैठी वीरा को ही देख रही थी। रावी ने मुक्ति के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? मुक्ति ने कहा, कुछ नहीं। रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो अपनी मम्मी की तरह बिहेव करना बंद करो और मुझसे बताओ कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। मुक्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सोच रही हूँ कि मम्मा इतनी अकेली क्यों है, उनके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, वो ज्यादातर कंपनी में रहती है और मुझे भी समय नहीं देती है, हालांकि मुझे इन सारी चीजों की आदत है, पर मैं उन्हें इस तरह अकेले नहीं देख पाती हूँ। रावी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मम्मी ऐसी ही है। मुक्ति ने बिना किसी भाव के कहा, रावी मासी आपको क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मुझे सब समझ आता है, इसीलिए आप ये बहाने किसी और को दीजिएगा। रावी ने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, एकदम जिद्दी और शैतान। मुक्ति ने कहा, अगर मैं शैतान हूँ तो आप अपने प्यारे से बेटे के पास जाइए, क्योंकि वो शैतानी नहीं करता है। ये कहकर मुक्ति वहां से जाने लगी। रावी ने मुक्ति की व्हील चेयर पकड़कर कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो, रुको मैं बताती हूँ तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों करती है। ये सुनकर मुक्ति की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जो जल्दी ही गायब भी हो गई। मुक्ति ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है बताइए। रावी ने कहा, तुम जानती हो तुम्हारे फादर हमारे साथ नहीं रहते हैं। मुक्ति ने अपना सिर हिलाया। रावी ने आगे कहा, असल में तुम्हारे मॉम और डैड के बीच कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण तुम्हारी मॉम इस तरह का बिहेव करती है। मुक्ति ने कहा, मेरे डैड कौन है? रावी ने मुक्ति के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। ये कहकर रावी वहां से चली गई। मुक्ति ने कहा, मैं इस बारे में पता लगा ही लूंगी। ये कहते हुए मुक्ति दोबारा वीरा की तरफ देखने लगी, जो एक के बाद एक शराब का ग्लास खाली किए जा रही थी। वीरा बार काउंटर के पास बैठी थी और उसे बार बार ऋषि के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। इतने साल बीत चुके थे, पर वीरा के दिमाग से ऋषि के ख्याल नहीं गए थे, वो आज भी ऋषि को याद करती थी। वीरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैं तुम्हारी यादों को भुला नहीं पाई हूँ और तुम मुझे भूलकर कितना आगे बढ़ चुके हो। जैसे ही वीरा ने यह कहा, उसे अपने पीछे से कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, तुम्हें पता चला है वो इंसान दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गया है? एक और आदमी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता इतनी कम उम्र का इंसान दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहा है। 6 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। पहले इंसान ने कहा, जो भी हो पर वो काबिल है और उसने देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जनता को भी वो पसंद है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले एक एक्टर रह चुका है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही कोई इस बारे में कुछ कहता है। दूसरे इंसान ने कहा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भी इंसान इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, उसे चुप करा दिया जाता है। असल में वो सच में एक एक्टर था, पर कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। पहले इंसान ने कहा, तो फिर वो राजनीति में कैसे शामिल हो गया? दूसरे इंसान ने कहा, जो भी हो मैं सच नहीं जानता, पर वो इस समय बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है। उसके जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं, पर कोई इतनी आसानी से वहां तक पहुंच नहीं सकता। पहले इंसान ने कहा, जो भी हो पर हमारे प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरे इंसान ने कहा, तुम सही कह रहे हो। वीरा ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि आखिर उस प्रेसिडेंट में ऐसा क्या खास है। वीरा ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखा करती थी, उसने कभी ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की थी कि ऋषि आखिर चला कहाँ गया था या फिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसका दिल वापस ऋषि के पास जाने को करता और वीरा ऐसा नहीं चाहती थी।
लेकिन जब वीरा ने प्रेसिडेंट के बारे में सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वीरा को ऐसा लग रहा था कि उसे इस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालनी चाहिए कि आखिर यह कौन है। हालांकि ये बहुत ताज्जुब की बात थी कि वीरा देश के प्रेसिडेंट को नहीं जानती थी, ना ही उसने कभी उसे देखा था, जबकि हर कोई उन्हें जानता था। वीरा ने सुल्तान को अपने पास बुलाया जो थोड़ी दूर ही खड़ा था। वीरा ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम मुझे देश के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जानकारी निकाल कर मुझे दो। वीरा की बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए थे जो उसने जल्दी से कवर कर लिया और कहा, आप प्रेसिडेंट के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? वीरा ने अपनी सख्त आवाज में कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। ये सुनकर सुल्तान जल्दी से वहां से चला गया। वीरा ने खुद से कहा, तुमसे मिलना पड़ेगा मिस्टर प्रेसिडेंट। ये कहकर वो दोबारा शराब पीने लगी। दिल्ली, इस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बड़े से घर के बाहर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसके पीछे और भी कई सारी गाड़ियाँ थी। गाड़ियों में से बॉडीगार्ड बाहर आए और उन्होंने सफ़ेद गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने हल्के नीले रंग का 3-पीस सूट पहना था। उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो आगे देखकर चल रहा था। उसके आसपास कुछ और लोग भी चल रहे थे जिनके हाथों में कुछ कागजात थे और वो उसे जानकारी देते जा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को ठीक करते हुए कहा, ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। आप ये सारे कागजात यहीं छोड़ सकते हैं और जो ज़रूरी है उन्हें ले जा सकते हैं। एक आदमी जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी थी वो आगे आया। उसने कहा, प्रेसिडेंट सर, हमें इस मामले पर अभी डिस्कशन करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और हमें इस बारे में विदेश में भी बात करनी होगी। नीले सूट वाला आदमी रुका और उसने कहा, ठीक है, तुम स्टडी रूम में चलो। बाकी सभी लोग वहां से चले गए और वो दोनों स्टडी रूम की तरफ चले गए। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद नीले सूट वाले आदमी ने अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अयान बताओ बात क्या है? अयान ने जल्दी से सब कुछ प्रेसिडेंट को समझा दिया। प्रेसिडेंट ने जल्दी से उन कागज़ों को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, अगली फ्लाइट बुक कर दो, मैं वहां खुद मीटिंग के लिए जाऊंगा। अयान ने कहा, लेकिन सर आपका बाहर जाना रिस्की हो सकता है। प्रेसिडेंट ने कहा, लेकिन मुझे वहां जाना ही होगा क्योंकि ये मैटर मेरे वहां जाए बिना सॉल्व नहीं होगा। अयान ने रिस्पेक्ट से प्रेसिडेंट की तरफ देखा। उन्होंने जब से काम शुरू किया था तब से वो सिर्फ काम कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं था सिवाय उनकी उस प्यारी सी बेटी के जो कि बहुत ज़्यादा मासूम पर चालाक थी। अयान ये सब सोच रहा था कि तभी किसी ने स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अयान और प्रेसिडेंट दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। प्रेसिडेंट ने अपने माथे को दो उंगलियों से सहलाते हुए कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला और एक प्यारी सी लड़की अंदर आई जिसने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बालों की दो चोटियाँ गुथी हुई थी जिनमें रैबिट स्टाइल क्लिप लगे थे। उस लड़की की काली गहरी आंखें चमक रही थी और वो घूर कर प्रेसिडेंट को देख रही थी। उस लड़की ने कहा, पापा आप आज फिर से लेट आए, आपने तो कहा था आप आज जल्दी आएंगे और मेरे साथ डिनर करेंगे। प्रेसिडेंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, एंजल इधर आओ। उस लड़की ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपने वादा तोड़ा है और अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, प्रेसिडेंट फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठे और आगे बढ़कर उन्होंने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। उस लड़की ने झटपटाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। प्रेसिडेंट ने उस लड़की का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके गाल पर पिंच करते हुए कहा, तो क्या भक्ति मुझसे नाराज है? भक्ति ने मुंह फुलाकर प्रेसिडेंट की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं मिस्टर कार्तिक से नाराज हूँ। हाँ, ये कोई और नहीं, ऋषि ओबेरॉय मतलब कार्तिक था जो अब देश का प्रेसिडेंट बन गया था। ऋषि ने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम मुझे सजा दे सकती हो? भक्ति ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं एक मासूम सी लड़की देश के प्रेसिडेंट को सजा दूं? आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? अगर लोगों को पता चल गया कि देश के प्रेसिडेंट को एक 9 साल की लड़की सजा दे रही है तो उन्हें आपके लिए बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है वो लोग मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर ऋषि के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुमने खाना तो खाया नहीं होगा। भक्ति ने नाम सर हिला दिया। ऋषि ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है समय पर खाना खाकर सो जाया करो। भक्ति ने कहा, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा था, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ये कहते हुए भक्ति की आवाज़ में उदासी साफ सुनी जा सकती थी। ऋषि ने भक्ति के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ एंजल तुम्हें मेरी याद आ रही थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखोगी। भक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। ऋषि ने कहा, चलो हम डिनर करते हैं। ये कहकर ऋषि भक्ति को गोद में लिए ही वहां से चला गया और उसने अयान को कुछ इशारा किया। अयान जल्दी से ऋषि का इशारा समझ गया और बाकी कामों को निपटाने लगा। साथ ही उसने ऋषि की कुछ दिनों बाद की फ्लाइट भी बुक कर दी। बड़े से डाइनिंग हॉल में ऋषि और भक्ति बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। भक्ति लगातार बातें कर रही थी और ऋषि चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। भक्ति बता रही थी कि उसने दिन भर में क्या किया, उसका स्कूल कैसा रहा, उसे क्या परेशानी हुई या फिर उसने किसको परेशान किया। ऋषि की ज़िंदगी में अब सिर्फ भक्ति ही थी जो उसे खुशी दे सकती थी। भक्ति को देखकर ऋषि को हमेशा वीरा की याद आती थी। हालांकि भक्ति वीरा पर नहीं गई थी, वो वीरा की तरह शांत और गुस्सैल नहीं थी बल्कि वो बहुत ज़्यादा चुलबुली थी और हमेशा बातें करती थी, पर फिर भी भक्ति का फेस वीरा से काफ़ी मिलता था। डिनर कर लेने के बाद ऋषि ने भक्ति को उसके रूम में छोड़ा और फिर खुद अपने रूम में आ गया। जब ऋषि अपने रूम में पहुंचा तो बिस्तर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। ऋषि ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर कौन था ऋषि के रूम में? क्या कभी वीरा और ऋषि मिल पाएंगे? दिल्ली, प्रेसिडेंट का हाउस।
ऋषि अभी भी घूर कर अपने बिस्तर की तरफ देख रहा था, जहाँ एक लड़की रेड कलर की शॉर्ट नाइटी पहनकर आराम से लेटी हुई थी। उस नाइटी से उस लड़की के पूरे पैर दिख रहे थे और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिवील हो रही थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और अपनी नशीली आंखों से ऋषि को देखते हुए रेड वाइन पी रही थी। ऋषि ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, दिव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या ने अपने बालों को एक तरफ करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कार्तिक मैं यहाँ क्या कर रही थी? जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बॉडी मसाज दे दूँ। मेरा विश्वास करो तुम मुझसे बिल्कुल निराश नहीं होंगे। ये कहते हुए दिव्या बिस्तर से उठी और ऋषि के पास जाने लगी। ऋषि कमरे में बिस्तर के पास ही खड़ा था। ऋषि ने अपना एक कदम पीछे लिया और कहा, दिव्या मुझसे दूर रहो। दिव्या ने अपने दोनों हाथ ऋषि के गले में लपेटते हुए कहा, क्यों, क्या मुझे अपनी ही मंगेतर से दूर रहने की ज़रूरत है? कार्तिक तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारी एंगेजमेंट को कितने साल हो चुके हैं पर फिर भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते हो। क्या ये सब उस मनहूस लड़की की वजह से है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं उसे आज ही घर से गायब कर दूंगी। वैसे भी उसे देखकर नहीं लगता कि वो तुम्हारी बेटी है। उसकी हरकतें देखो, वो कितनी ज़्यादा शरारती है और तुम कितने ज़्यादा शांत हो। जब ऋषि ने दिव्या के मुंह से भक्ति के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। ऋषि ने दिव्या के दोनों हाथ अपने गले से हटाए और अपने एक हाथ से दिव्या का गला दबाते हुए कहा, सोचना भी मत, अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी बेटी के बारे में एक भी बुरा ख्याल आया तो मैं तुम्हारे उस ख्याल की भी जान ले लूंगा। दिव्या को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने दोनों हाथों से ऋषि के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषि की पकड़ दिव्या की गर्दन पर बहुत ज़्यादा मजबूत थी। दिव्या ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जान ले सकते हो? अगर तुमने मेरी जान ली तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कितने सारे लोगों की जिंदगियां मेरी जान के साथ चली जाएगी। जैसे ही दिव्या ने यह कहा, ऋषि ने एक झटके से दिव्या की गर्दन से हाथ हटा लिया। दिव्या एक झटके से जमीन पर गिर गई। खांसते हुए ऋषि की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऋषि ने कहा, पहले गलती तुमने की, तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और इस तरह मेरे कमरे में आने से तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। अगर यहाँ से एक भी चीज़ गायब हुई या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जेल भिजवाऊंगा। ये सुनकर दिव्या एक पल के लिए डर गई। फिर उसने ऋषि को घूरते हुए कहा, तुम अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, वो भी उस पोजीशन का जो कि सिर्फ तुम्हें हमारी बदौलत मिली है। कार्तिक तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम खुद मेहनत करते तो तुम्हें इतनी आसानी से ये पोजीशन मिल जाती? बिल्कुल नहीं, आज तुम जहाँ खड़े हो वो सब सिर्फ हमारे कारण है। ऋषि ने कहा, ये सब तुम्हारे कारण नहीं है, ये सब सिर्फ दादाजी के कारण है और मैं सिर्फ उन्हीं के कारण तुम्हें सहन कर रहा हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हारी जान ले चुका होता। अब मुझे आराम करना है, निकलो मेरे कमरे से। ये कहते हुए ऋषि ने दिव्या को उसकी बाजू से पकड़ा और अपने कमरे के बाहर फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या घूर कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने कहा, यही एक कारण है कि दादाजी आज तक जिंदा है, वरना मैं उस बुड्ढे को कब का मार चुकी होती। ये कहते हुए दिव्या उठ खड़ी हुई और आसपास देखने लगी कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। ये कन्फर्म कर लेने के बाद कि वहाँ कोई भी नहीं है, दिव्या अकड़ के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। दिव्या के वहाँ से जाने के बाद एक दीवार के पीछे से भक्ति बाहर आई। भक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। अयान भक्ति के पीछे खड़ा था, जो कि थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। उसने कहा, भक्ति तुम क्या करने वाली हो? भक्ति ने कहा, दिव्या आंटी ने मेरे पापा को परेशान किया, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि परेशान होना क्या होता है। अयान ने कहा, भक्ति तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर सर को पता चला तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। भक्ति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा मुझसे कभी नाराज़ नहीं होंगे, चलो कल की प्लानिंग करते हैं। अयान ने निराशा में अपना सिर हिलाया और भक्ति के पीछे चला गया। देहरादून, एक सुंदर से विला में एक लड़का शराब के ग्लास को हिलाते हुए सामने बड़ी सी तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में एक जोड़ा था जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे और वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उस फोटो को देखते हुए वो लड़का कहीं खो गया था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उस लड़के ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, धैर्य, क्या तुम अपने घर जा चुके हो? तुम पार्टी के बीच से ऐसे कैसे जा सकते हो? सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। धैर्य ने कहा, पापा आप जानते हैं मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे एक ज़रूरी काम भी था जिस कारण मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। वायु ने कहा, धैर्य तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही धैर्य ने यह बात सुनी, एक पल के लिए उसकी आँखें छपक गई और उसके दिमाग से होकर कुछ तस्वीरें गुजरी जिन्हें याद करते हुए उसके हाथों की मुट्ठियाँ बन गई। धैर्य ने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कुछ बातें करने के बाद धैर्य ने फ़ोन कट कर दिया और दोबारा सामने लगी तस्वीर को देखने लगा। तभी धैर्य को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धैर्य ने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तुम मेरे सामने आ सकती हो? आध्या धैर्य के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने आंसू भरे चेहरे से धैर्य को देखते हुए कहा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो धैर्य? तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने जो देखा वो सच नहीं था, वो सब गलत था। धैर्य ने शराब के ग्लास को ज़मीन पर फेंक दिया जिससे वो कई सारे टुकड़ों में बिखर गया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने क्या गलत देखा? क्या उस होटल रूम में तुम नहीं थी? क्या वो लड़का जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती हो, तुम उसके साथ एक बेड पर नहीं थी? और क्या तुम दोनों एक ऐसी चीज़ नहीं कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी?
आखिर तुम किसी और लड़के के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती हो, वो भी अपनी ही सगाई के दिन। अगर तुम्हें ये सगाई नहीं करनी थी तो तुम पहले बता देती। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम ये बात भी मुझे बता सकती थी आध्या। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता, पर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आध्या ने रोते हुए कहा, धैर्य तुम गलत समझ रहे हो, असल में उस समय। धैर्य ने आध्या की बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि उस समय क्या हुआ था, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी मंगेतर एक दूसरे आदमी के साथ उसके बिस्तर पर थी, वो भी उसकी सगाई के दिन। इससे ज्यादा मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। आध्या को भी अब थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? क्या सिर्फ एक नज़र देखने से तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं गलत थी? धैर्य, क्या इतने सालों में तुम मुझे इतना ही जान पाए हो? धैर्य, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। धैर्य ने आध्या का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ा और उसके आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, रोने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे आंसू मेरे दिल को नहीं पिघला सकते। और हाँ, अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पर अब मैं तुम्हें उस लड़के के पास भी नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि धैर्य राजवंश कौन है। तुम्हें मेरे साथ इस रिश्ते में बंद कर रहना होगा। तुम तड़पोगी, तुम एक कैदी की तरह रहोगी, पर फिर भी तुम कभी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पाओगी। ये तुमसे मेरा वादा है। आध्या ने कहा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? धैर्य ने आध्या को कोई जवाब नहीं दिया और वापस शराब पीने लगा। लेकिन आध्या वहाँ से नहीं गई, वो अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। आध्या ने कहा, धैर्य एक बार शांति से मेरी बात सुन लो। ये कहते हुए जैसे ही आध्या ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, उसके मुँह से चीख निकल गई। धैर्य ने जल्दी से जमीन की तरफ देखा। जमीन पर खून फैला हुआ था और एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा आध्या के पैरों में धंस गया था। ये देखकर धैर्य के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आध्या की आंखों में दर्द के कारण आंसू आ गए थे और वो अपने एक पैर को पकड़कर खड़ी हुई थी। धैर्य ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास साइड में रखा और आध्या को गोद में उठाकर साइड में रखे सोफे पर बैठा दिया। धैर्य ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है नीचे कांच से? क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? और आखिर तुम बिना स्लीपर्स के ऐसे क्यों घूम रही हो? आध्या ने सुबकते हुए कहा, मेरी सैंडल टूट गई थी। धैर्य ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा जिसकी आंखों में उसे दुनिया भर की मासूमियत दिखती थी, पर एक धोखे ने उसकी आंखों पर नफरत की पट्टी बांध दी थी। धैर्य ने जल्दी से आध्या का पैर अपने हाथ में लिया और देखा कि एक काफ़ी बड़ा कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुस गया था। धैर्य ने घूर कर आध्या को देखते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा? आध्या ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, प्लीज़ मत निकालो। धैर्य ने कहा, अच्छा तो क्या तुम इस कांच के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली हो? फिर वो थोड़ा सोच कर बोला, मैं धीरे धीरे इसे निकाल दूंगा। धैर्य जानता था उसके सामने बैठी लड़की को चोट लगने पर कितना ज़्यादा दर्द होता था और उसे खून देखने से कितना डर लगता था। धैर्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है तो मुझे बताओ आखिर तुम उस होटल रूम में क्या करने गई थी? धैर्य इस सवाल को पूछना नहीं चाहता था, पर आध्या का ध्यान भटकाने के लिए उसे यही सवाल ठीक लगा। जैसे ही धैर्य ने यह सवाल किया, आध्या के चेहरे का रंग उड़ गया और वह अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। धैर्य ने जब आध्या का ये रिएक्शन देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। धैर्य ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू किया और आध्या के पैर से कांच निकाला और अच्छे से पट्टी की और फिर मुड़कर वहाँ से जाते हुए कहा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हो, और अगर तुम्हारा इसी तरह का बर्ताव रहा तो मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। आध्या ने अपनी नम आँखों से धैर्य को देखा और खुद से कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ धैर्य कि सच्चाई क्या है, क्योंकि वो जानने के बाद तुम टूट जाओगे। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो परेशान कर रही है आध्या को, और क्या कभी धैर्य और आध्या फिर से साथ आ पाएंगे? अब क्या करेगी आध्या, कैसे वो सब ठीक करेगी? अपनी बात कहकर आध्या सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब धैर्य सीढ़ियों के पास आया तो उसने सोफे की तरफ देखा जहां आध्या सो रही थी। उसने कमरे में जाकर एक ब्लैंकेट लिया और नीचे आकर आध्या को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके आंसू से भरे चेहरे को देखा, जिनके कुछ निशान अभी भी आध्या के चेहरे पर थे और एक लाल निशान भी उसके चेहरे पर देखा जा सकता था जो पहले मेकअप से छुप गया था। धैर्य ने धीरे से आध्या के गाल को टच किया जहां उसने ही एक थप्पड़ मारा था और कहा, मैं जानता हूं कि कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो, पर सच्चाई तुम्हें खुद ही बतानी होगी। ये कहते हुए धैर्य वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह धैर्य जब जॉगिंग करके वापस आया तो उसने देखा कि आध्या किचन में खड़ी कुछ काम कर रही थी। आध्या ने इस समय लाइट येलो कलर का सिंपल सूट पहना था। उसके लंबे बाल गीले थे और उसकी खुली पीठ पर बाल चिपके हुए थे। आध्या का चेहरा इस समय काफ़ी गुलाबी दिख रहा था क्योंकि किचन में काफ़ी गर्मी थी। आध्या नौकरों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी और साथ ही खुद भी काम कर रही थी। धैर्य कुछ पल तक आध्या को देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। धैर्य ने किचन में आते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना यहाँ से चली जाना। आध्या ने सिर उठाकर धैर्य की तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, मैं जाना चाहती थी पर मुझे किसी कारण से रुकना पड़ा। धैर्य ने हंसते हुए कहा, मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम मेरे करीब रहने के लिए कितने बहाने बनाओगी? आध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धैर्य प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। उनके आसपास कई सारे नौकर थे और आध्या नहीं चाहती थी कि धैर्य नौकरों के सामने उससे इस तरह का बर्ताव करे, जबकि कल ही उन दोनों की सगाई हुई थी। धैर्य ने भी इस बात को नोटिस किया और घूर कर उन सब नौकरों की तरफ देखा, जिससे वो सभी जल्दी ही वहाँ से चले गए। सभी नौकरों के वहाँ से चले जाने के बाद धैर्य आध्या के पास गया और उसने आध्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो, क्योंकि अगर मेरा सब्र टूट गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आध्या ने अपनी आंसू भरी आंखों से धैर्य को देखते हुए कहा, तो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो?
धैर्य ने कहा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आध्या ने कहा, धैर्य प्लीज मुझ पर विश्वास करो। धैर्य ने कहा, तुमने खुद मेरा विश्वास तोड़ा है तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। आध्या ने कहा, अगर तुम इस तरह का बर्ताव करोगे तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। धैर्य ने आध्या की कमर पर अपनी पकड़ कस दी जिससे आध्या को दर्द होने लगा और उसकी थोड़ी चीख निकल गई। धैर्य ने कहा, परेशानियां तो कब की शुरू हो चुकी है, ये सब तब शुरू हो गया था जब मैंने तुम्हें उस होटल रूम में उस लड़के के साथ देखा था। जैसे ही धैर्य ने यह कहा, आध्या का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने कहा, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते हो। धैर्य ने कहा, और तुम मुझे वो सच्चाई बताना नहीं चाहती हो। यह सुनकर आध्या चुप हो गई। धैर्य ने कहा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, मेरे घर से चली जाओ। जितना कम तुम मेरे सामने आओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे वही रात याद आ जाती है। ये कहते हुए धैर्य ने आध्या को छोड़ दिया। आध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आध्या ने सिसकियां लेते हुए कहा, सभी घर वाले यहाँ खाने पर आने वाले हैं, मुझे माँ का फोन आया था इसीलिए मैं यहाँ तैयारियां कर रही थी। ये सुनकर कि उसके सभी घर वाले यहाँ आने वाले हैं, धैर्य एक पल के लिए हैरान हो गया और उसने आध्या को घूरते हुए कहा, तो तुमने उन सबको मना क्यों नहीं किया। धैर्य की इतनी तेज आवाज़ सुनकर आध्या सहम गई। उसने डरते हुए कहा, मैंने कोशिश की पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। उन सबका कहना है कि कल सगाई के बाद हम दोनों जल्दी घर चले गए थे, इसीलिए उन्हें हमसे कुछ बात करनी है जिस कारण वो यहाँ आ रहे हैं। धैर्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अच्छे से तैयार हो जाओ और खबरदार जो उनके सामने हमारे रिश्ते में आई दरार के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र करने की कोशिश की या फिर अपने चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन लाई, खासकर ये आंसू, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए धैर्य ने गुस्से से आध्या के चेहरे से आंसू साफ कर दिए। आध्या की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और धैर्य के इतना रूड बिहेव करने से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। धैर्य ने देखा कि आध्या की स्किन पर निशान आ गया है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जाओ तैयार हो जाओ, नौकर सारी तैयारियां कर लेंगे। आध्या ने अपना सिर हिलाया और भागते हुए कमरे की तरफ चली गई। धैर्य ने सीढ़ियों की तरफ देखा और खुद से कहा, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, हमेशा बच्चों जैसे रोती रहती है। ये कहते हुए धैर्य खुद भी अपने कमरे की तरफ चला गया। उस घर में आध्या का खुद का एक कमरा था जहाँ पर उसकी ज़रूरत का सारा सामान रखा होता था, क्योंकि आध्या कई बार इस घर पर रुकने आती थी और धैर्य ने खुद उसके लिए कमरा तैयार किया था, पर आध्या इस बारे में नहीं जानती थी। उसे लगता था ये सब नौकरों ने किया है। दोपहर के समय वायु, धैर्य, अहाना, सिद्धार्थ, तेजस, निधि, कृष और प्रशा सभी लोग धैर्य के घर आ चुके थे। प्रशा ध्यान से धैर्य के घर को देख रही थी। वो पहले कभी इस जगह पर नहीं आई थी क्योंकि यहाँ आने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी सिवाय आध्या के, और यही बात प्रशा को बहुत गुस्सा दिलाती थी। आज जब प्रशा धैर्य के घर को देख रही थी तो उसे वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। प्रशा ने खुद से कहा, एक दिन मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। कृष ने प्रशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो। प्रशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं है। धैर्य ने भी समय देखते हुए कहा, हमें भी समझ नहीं आ रहा है इनको इतना समय क्यों लग रहा है। वायु ने झुककर धैर्य के कान में कहा, तुम्हें समझना चाहिए उन दोनों की कल ही सगाई हुई है, उन्हें अकेले समय बिताने की जरूरत है। ये सुनकर धैर्य ने घूर कर वायु की तरफ देखा। वहीं सिद्धार्थ भी वायु को घूर रहा था, क्योंकि जो भी हो वायु उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा था। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहता, सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सब लोगों ने ऊपर की तरफ देखा। आध्या और धैर्य साथ में नीचे आ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। धैर्य ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना था जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं आध्या ने एक सिंपल सा पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था। उसके हाथों में चूड़ियां थी और कानों में बड़े बड़े झुमके थे। इस समय आध्या बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हर कोई उन्हें देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। अहाना ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। आध्या और धैर्य जल्दी से नीचे आए और उन्होंने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। धैर्य ने कहा, बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। धैर्य ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ मॉम बताइए, आपको क्या बात करनी है और आप सब दोपहर में हमारे घर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ज़रूरी बात है। ये कहते हुए धैर्य के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। धैर्य को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वायु ने भी अपनी सख्त आवाज़ में कहा, क्या हमें अपने ही बेटे के घर आने के लिए किसी कारण की ज़रूरत है। ये सुनकर धैर्य चुप हो गया और वहाँ रखे सोफे पर बैठ गया। प्रशा ने धैर्य की तरफ देखकर कहा, तुम कैसे हो, तुम्हें रात को अच्छे से नींद तो आई ना। ये सुनकर धैर्य घूरकर प्रशा की तरफ देखने लगा और फिर उसने दोबारा आध्या का हाथ पकड़ लिया। आध्या भी अपनी निराशा भरी नजरों से प्रशा को देख रही थी। आध्या ने खुद से कहा, प्रशा तुम ये सब क्यों कर रही हो। प्रशा जलन भरी नजरों से उन दोनों के हाथ की तरफ देख रही थी। धैर्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जैसा कि कल आप दोनों की सगाई हो गई है तो हमें आपको ये बताना है कि हम जल्दी ही आप दोनों की शादी भी करवाने वाले हैं। ये बात हम कल आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप दोनों ही जल्दी वहां से चले गए थे। जैसे ही धैर्य ने यह कहा, आध्या और धैर्य ने एक साथ कहा, आप ये क्या कह रही हैं। उन दोनों के इस तरह के रिएक्शन को देखकर सबका मुंह बन गया। धैर्य ने कहा, आप दोनों इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आपकी सगाई हो चुकी है और आप दोनों एक दूसरे को इतने सालों से पसंद करते हैं तो हमें लगता है अब आपको शादी भी कर लेनी चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, मुहूर्त अगले हफ्ते का निकला है और अगले हफ्ते आपकी शादी होने वाली है, हम यही बात बताने के लिए आए थे। धैर्य और आध्या दोनों का चेहरा सफ़ेद हो चुका था और उनसे भी ज़्यादा बुरा हाल प्रशा का था। प्रशा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक हफ्ते बाद धैर्य की आध्या से शादी हो जाएगी। प्रशा ने कहा, आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं।
सभी लोगों ने एक साथ प्रिशा की तरफ देखा। प्रिशा ने जब सबकी नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने सक पकाते हुए कहा, मेरा मतलब है एक हफ्ते बाद शादी है, तो इसका मतलब कि सिर्फ 4 दिन बाद से फंक्शन शुरू हो जाएंगे। आप ही सोचिए 4 दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी। नहरिया ने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। बस हम इन दोनों को ये बात बताने आए थे कि 4 दिन बाद से इनकी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों तैयार रहें। आध्या अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था पर वो कुछ कह नहीं रही थी। अहाना ने अपनी बेटी की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, पता नहीं ये इतनी शर्मीली क्यों है, काश ये थोड़ी मेरी तरह होती तो ये इस धैर्य को काबू में रख पाती, ये जब देखो मेरी बेटी पर धोस जमाता रहता है। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ना कि धैर्य आध्या का कितना ख्याल रखता है। अहाना ने कहा, मैं ये जानती हूँ इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। धैर्य ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। आध्या ने हैरान होकर धैर्य की तरफ देखा, वहीं प्रिशा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। धैर्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अब जब आपकी बातें हो चुकी हैं तो चलिए लंच करते हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया, उन सबको पता था कि धैर्य कितना बिजी रहता है। भले ही वायु राजवंश कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन चुका था लेकिन इस समय कंपनी की सारी भागदौड़ धैर्य ने अपने हाथों में ले ली थी और इस समय वो देश के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। सभी लोग डाइनिंग हॉल में चले गए और वहाँ बैठकर खाना खाने लगे। धैर्य ने एक डिश को टेस्ट करते हुए कहा, ये आपने बनाई है ना। आध्या ने शर्माते हुए अपना सिर हिला दिया। धैर्या ने कहा, आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हम तो इतनी प्यारी बहू पाकर बहुत खुश हैं। ये कहते हुए धैर्या मुस्कुराने लगी। अहाना ने इतराते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि हर कोई उसे पसंद करता है। क्या धैर्या और आध्या की शादी आसानी से हो जाएगी या आएगी शादी में कोई नई मुसीबत।